मेरा जो मौजूद था उस पर तो दरगाह में कल भी काफ़ी बात हुई और आज दिन में जो है शबे साहब ने बहुत बात कर दी और फिर शबे साहब ने बहुत बात कर दी मसूर ने तो बहुत ज़्यादा बात की और फिर अजीम ने भी उसको किसी हद तक किया कि किस तरह से बल्कि फहाद ने बात लैंग्वेज पर कर दी थी लेकिन जो लैंड का जो कैपिटल है जो लेबर को काम कर रहा था तो मेरा वो भी एक हद तक जो डायरेक्टली लिंक है विदाइग्रेडी पोर्शन जो हम जमीन और जो असाशे की बात करते हैं इस पर खुद बात के शायद इतना डिटेल तो नहीं लिखा लेकिन लेकिन पहुँचे पहुँचे आज हमारे पास एक तवील मूवमेंट है जिसका एक जो आखिरी एंड जो है जिसको फैनर ने कहा था कि अब वो नौबादियाती सोसाइटी में सबसे बड़े इंकलाबी तो किसान ही होंगे क्योंकि उनके पास जो है वो खोने को कुछ नहीं है पाने को कुछ है ये मतलब जो स्ट्रगल थी जिसकी खिलाफ थी तो जो मेरा पेपर था मैं उसके लिए जब देख रहा था वो मैं देख रहा था कि जेलन जब एग्रीरियन क्वेश्चन को या जो जो जमीन का सवाल है और किसानों का सवाल है जब उसको देख रहा था तो जेलन के सामने क्या कर दिया तो जो जेलन के पास जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट था मार्च का जो उसको कहते हैं उसका जो 312 से 314 के छपे हैं जो कि किसी हद तक एग्रीरियन क्वेश्चन को एड्रेस को करते हैं लेकिन वो हम शायद क्योंकि बाप ये कहता है कि ये वो एक उसको वो क्लास नहीं कहता बाप कहता है ये क्लास नहीं है बल्कि ये कुछ सामाजिक ग्रोह है जो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी नहीं है जिसके अंदर कॉमन चीज़ें तो है लेकिन उनके अंदर एक जो बात बात करके एक कॉन्शियसनेस की वो डेवलपमेंट का फेज नहीं है जिसके नतीजे में इनको हम एक क्लास कह सकें और अल्टीमेटली उन्हें जो ये टीम का अमल जो है वो ज़्यादा है और उसकी यूनिटी नहीं बन सकती एक गुरु के तो एक तो सबसे बड़ा जो पीस जो लेनिन के सामने था वो मार्क्स की ये थ्योरी दूसरी जो लेनिन के सामने जो थ्योरी है और जो जिसको करके वो लेनिन खुद अपने उस्ताद की तस्लीम करता है जिसको कह सकते हैं कि सोवियत बल्कि रशिया हम जिसको कहें उसको रशिया के अंदर जिसको कहें कि जी सबसे पहला जो एक वो बंदर जिसने अपने आप को कम्युनिस्ट कहने का ऐलान किया जिसको वापस कहने का ऐलान किया और जिसका नाम हम टेवरोफ के नाम से जानते हैं टेवरोफ का जो डिस्कोर्स है वो लेनिन के सामने मौजूद था और उसके अंदर जो जो सबसे बड़ा जो टेवरोफ का जो पूरा डिबेट है पूरा डिस्कोर्स है वो भी एग्जैक्टली वो ये कि जी वो तो ये बात करता है कि काफ़ी सा नोशन कि ये तसव्वुर है ये जो जो किसान है सबका नहीं बल्कि एक तसव्वुर है एक इब्तदाई तौर पर बनने वाली चीज़ है जिसको आगे लेके जाया जा सकता है जिसको किस तरह से मतलब एक मार्जिनलाइज क्लास जिसको हम कहें कि सारे स्कोर के अंदर तो ये दूसरा जो तसव्वुर था लेनिन के सामने के जब वो एग्रीरियन सोच के सामने जो आ रहा था तीसरा जो जो तस्वुर मेरा जो और जो तीसरा जो पहलू जो लेनिन के सामने था वो हमारे पास है वो जूली मैक्रोव का जो कि पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े टूरिस्ट थे और उन्होंने जो इसको थोड़ा सा और फैलाया और उनका जो पूरा जो थीसिस है एग्रीरियन क्वेश्चन इज अबाउट रिवॉल्यूशन किसान सवाल और आलमी इनकलाब उस वहाँ पर उन्होंने डिबेट को बहुत फैलाया और फिर लेनिन ने अपनी जो आइडेंटिटी क्वेश्चन को जो मजीद रिफाइन करने के लिए सबसे पहला जो काम इस्तेमाल किया है वो का जो काम है उसको करा दिया उसने कहा कि जी ये इतना सिंपल नहीं है जिस चीज़ को हम बहुत आसानी से जितना हम बात करते हैं कि क्या ये करता है उसका कहना था कि जी सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जितना भी अजीब से बात की कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको मुख्तलिफ इलाकों की हर चीज़ों की पहलू से देखना पड़ेगा तो फिर पूरे जो एग्रीरियन क्वेश्चन है उसको देखने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका कोई एक यूनिफॉर्म कोई तरीका मौजूद नहीं बल्कि हर सोसाइटी का हर इलाके का एक अपना करेक्टर मौजूद है मतलब वो कहता है कि ये वेस्ट यूरोप के अंदर या सेंट्रल यूरोप के अंदर जिस पर मार्क्स ने ये लिखा था उसके बाद में फ्रांस की जो एजेंसी को सामने रखते हुए पुस्तक लिखाया था तो शायद वो इतना कंसिडरेबल नहीं था लेकिन मैं कहा कि वेस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप में तो बेशक वो सेंट्रल पॉइंट उससे नहीं था लेकिन बशर की यूरोप के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट था जिसके अंदर सोवियत यूनियन और बाकी जो रियासतें हैं वो उसमें ये पूरे का पूरा एक सेंट्रल पॉइंट था
तो पहला हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्म सेक्टर नहीं है। लिबरेरियन मॉडल हर जगह पे इसी तरह उसने कंपेयर किया है अमेरिका के मॉडल को, उसने कहा कि अमेरिका की जो जागीरदारी है वो तो ओबामा ने जागीरदारी का एक तरीका था, जो कि यूरोप में इस्टेब्लिश करता था वो उस तरह से मौजूद नहीं था। तो आपको देखकर फिर हर इलाके की जरूरत का एक अलग तरह का करेक्टर निकालना पड़ेगा। और आप उसको जो बताइए तो डेनन के लिए बहुत बड़ा एसेट होना कि वो रशिया की जो जागीरदारी है, रशिया का जो है उसका एक लोकल जो बॉर्डर सामने रखने उसको डेवलप करें, तो पहला उसको जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट था ये। दूसरा जो क्वेश्चन उठाया उसने कहा कि ये जो पूरा ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट है जिसको मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से कहिए, प्लेन से ट्राइब से वो जो है वो जागीरदारी और जागीरदारी से सफादारी का अहम का जो दाखिला है, तो डेवलप ने कहा कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये जो तकसीम है, ये जो तकसीम है, ये तकसीम जो है वो जिसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जिसको तकसीम डिवीजन ऑफ लेबर है, ये भी बहुत ज़्यादा रिफाइन हुई है। ये डिवीजन ऑफ लेबर सरमायादारा निज़ाम के आने से पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले इस तरह बातें तकसीम नहीं थी, लेकिन अब ये बातें तकसीम इस तरह हो गई कि शहर और देहात तो डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटी बन गई है। देहात एक इकॉनमी के साथ है और जो शहर है जो डिजिटलाइजेशन सेक्टर के साथ है उनकी एक बिल्कुल दूसरी इकॉनमी है, और इकॉनमी का हेल्थ गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वो अगला पॉइंट ये था कि हमें इन सोसाइटी का गैप जो है वो कम करना पड़ेगा, इनको करीब लाना पड़ेगा। ये प्लेनर के लिए दूसरा एसेट था कि अल्टीमेटली उनके लिए गाइडिंग पॉइंट था कि हमने सोवियत यूनियन के रशिया जिसको बात है सोवियत यूनियन कहें कि रशिया के अंदर जो 90% जितना शौकत के मौसमों में बात की, 90% जो डिपेंडेंट था वो गरीब सोसाइटी पर था। तो इसके लिए डेनन के पास एक दूसरा गाइडिंग पॉइंट किया गया कि हमें इस जदोजहद को यूनाइट करना, ये उसका पॉइंट है। तीसरा उनका पॉइंट ये था कि अगर हम इस जदोजहद को जोड़ते नहीं तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि जदोजहद को जोड़ते नहीं है तो फिर इसका नुकसान ये होगा कि ये जदोजहद जो कि शहरों से अगर इंडस्ट्रियल एरिया से निकलती है तो फिर ये अपने आप को महदूद कर ले, उनका एक सपोर्ट बेस जो है रूरल एरिया जो कि बड़े एरिया है वहाँ पर मिल नहीं सकेगा। इसीलिए रूरल एरिया से एक वो रिटर्नशिप फोर्सेज आएंगी, बड़ी फोर्सेज लाइफ होकर ये काम करेगी और हमारा जो है वो जो कैपिटल है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये तीसरा जो एक वो थ्रेटिकल वर्क था जो कि जनरल के साथ था जब वो अपने लिए क्वेश्चन था। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो जनरल के सामने था वो हम कहते हैं कार छुपे का काम, और छुपे नहीं जब वो पूरा जो क्वेश्चन पर और वो मौजूद पर जब उनकी किताब आई तो जनरल ने उस किताब का जब किताब को पढ़ा और किताब को रिव्यू किया तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लिखा है उनकी जनरल की जबान में आपको पढ़ के कि कुरपेस देश को द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द प्रेजेंट डे इकोनॉमिक सिचुएशन सिंस द वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल, के जो कि किताब इतनी इम्पोर्टेंट है जो कि कैपिटल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है उनकी किताब है। और उसमें कहते हैं अंटिल नाउ मार्क्सिज्म हैड लेफ्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, कि अब तक मार्क्सिज्म में जो तरही ज्ञान था उसके अंदर कैपिटलिज्म के आने का कोई मुताला नहीं हुआ था। कुर्के है फिल्ड कुर्के ने इस काम को पूरी तरह से वो इस्तेमाल किया है और अल्टीमेटली ये किताब जब आई है 1894 में, तो इसका मतलब है कि लेनिन के पास बहुत सारी मवाद मौजूद था। और इसी दौरान लेनिन अल्टीमेटली पूरी जो सोवियत यूनियन है उसको बड़ी अगली एज से वो 22 साल की उम्र से बड़ी करीब से देख रहा था। और उस दौरान जो लेनिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हमारे पास आया वो था डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया के अंदर पूरा हर जो काम है वो अल्टीमेटली फोकस है ऑन एग्रीगेट क्वेश्चन, क्योंकि वो समझता था कि जब तक हम एग्रीगेट क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं करते, एग्रीगेट क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते, सोवियत रशिया के अल्टीमेटली इंकलाब की बुनियाद। तो फिर वहाँ से लेनिन ने उसकी स्टडी शुरू की, लेनिन ने इसको एड्रेस करने की कोशिश की, तो फिर अल्टीमेटली लेनिन ने जो रशिया की पूरी जो एग्रीगेट सोसाइटी है उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस किया, उसका रिव्यू किया और उसने कहा कि जी हम जो रशिया में ये जो पूरा प्रेजेंट क्वेश्चन है या जो पूरा जो सिस्टम है इसको हम तो 3 अदवार में डिवाइड करेंगे। पहला दौर वो दौर है जो 1902 से लेकर 1905 तक का दौर
और दूसरा दौर उसने कहा कि 1905 से लेकर 1917 तक, और तीसरा दौर जो है वो इनकलाब के बाद का दौर है कि पहले दो अदवार में इस जो जो ग्रीन क्वेश्चन है इसको रशिया में किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई, और फिर अब इसको हम हमारे पास अब क्या इसका हाल है और हम इनकलाब के बाद इस सवाल को किस तरह आगे देखेंगे। तो ये उनके लिए तो जब लेनिन ने सारी हिस्टोरिकल चीज़ को देखा तो जब बात कर रहे थे अपना सुबह में कि ये सोवियत यूनियन में रियासत का जो अपना वजूद में आना पूरा, तो उन्होंने उन्हें बताया कि 1907 में जब पहली मरतबा बाहर के ज़माने में एक जो है वो ज़री सलाहत की बात हुई, तो 1861 में जो पहले ज़री सलाहत हुई, लेकिन वो ज़री सलाहत बिल्कुल तबाहकुन थी जिसको लेनिन ने अपने लेकर आया। उसके बाद ये जो सलाह थी उसी तरह के ज़री सलाह थे जिस तरह हमारे मुल्क में अय्यूब खान और भुट्टो और उसके बाद के दौर में हुए के पेपर पर सलाह थी जी, उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया कि कट ऑफ लैंड के जागीरदारों ने अपनी ज़मीन का वो हिस्सा किसानों को दे दिया जो कि ना तो आबाद हो सकती थी और ऐसी ज़मीन थी जिन तक पर एक्सेस नहीं हो सकता था, ना जंगल की ज़मीन से गुजर सकते थे ना पानी का एक्सेस था, और फिर उसके बाद ये था कि जिस पर जागीरदार चाहे तो आपको अपनी ज़मीन पर दोबारा सामान भी, और तीसरा ये था कि आप इतनी बड़ी पेमेंट करनी थी कि शायद सारी उम्र आपको ज़मीन का मालिक नहीं। तो लेकर मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा मजाक था, ये सबसे बड़ा मजाक था जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा जाना पड़ेगा डेवलप की तरफ और उनकी तरफ के जो सेंट्रल यूरोप में और बगल भी यूरोप में ये रिजॉल्व इसलिए हो गया कि ट्रू सेंस में एक लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ही और जो कैपिटलिज्म जो उसको रिप्लेस किया जागीरदारी को, लेकिन सो जो रशिया है उसके अंदर और पेपर ये होगा लेकिन रियलिटी में ये चीज़ रास्ता ना हो सकी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते बढ़ते 1902 से 1905 के दरमियान एक जो मॉर्निंग बात की ज़्यादा किसान देरी के उसके बाद सारी चीज़ें। तो लेनिन ने हिस्टोरिकल जो वो स्टेटिस्टिक की सब चीज़ उसको बेस बना के इस चीज़ पर आगे ये थे। अब सवाल ये है कि जब ये सब चीज़ें हो गई तो लेनिन ने कहा जो रशिया की सोसाइटी है उसका कला जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसको मैं किस तरह एड्रेस करूँ, तो उसको वही जो बात थी कि जो पिछले पोलिटिकल लोगों के पास थे कि कहीं भी यूनिफॉर्म और सिंगल बोर्ड ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी नहीं, उसने कहा ये मॉडल अगर मैं तो भी रशिया पर अप्लाई करता, उसने कहा कि रशिया के अंदर ये जो एग्रेरियन सिस्टम है इसको जब मैं जो कम अज कम तीन किस्म के ग्रुप नज़र आते हैं हमें इंटीग्रेटेड सोसाइटी के अंदर लेकिन जिसको हम जो ज़रूरी समाज है, तो पहला आपने कहा कि जो फ्यूडल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें एक तरफ तो वो जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जबकि दूसरी तरफ शेयर उनके साथ शेयर क्रॉपर्स जो कि जमीन जिनको हम आज भी शराकतदार भारी का जो किरदार अदा करते हैं उसका हिस्सा। दूसरा आपने कहा कि इसका जो दूसरा ग्रुप है वो दूसरा ग्रुप वो है कैपिटलिस्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें कैपिटलिस्ट पावर है जो लोग जिनके पास ज़मीनें हैं जिन्होंने खरीदी हैं जिनको अपने कुलत का नाम दिया है कि कुलत का गुरु है उसके मुकाबले में वेज जो लेबर इनका एक महसूस जो है वो सेमी जिसको प्रोलेटेरिया जिसको उसने कहा कि ये हुनर प्रोलेटेरिया कि ये हुनर क्वालिफिकेशन प्रोलेटेरिया का भी एक दूसरा है। तो तीसरा जो उसने प्रोलेटेरिया ने बताया वो मिडिल क्लास के दरमियाने तबके के जो वो जो किसान है जो कि अपनी ज़मीन को छोटा बात करके ना तो उसे उसके साथ करते हैं किसी और का ना किसी और काम करते, तो मेरा कि तीन ग्रुप इसको बाद में माओ ने मजीद बढ़ाया उसने तरह को मेरा कि आठ ग्रुप हैं जो चाइना के प्रोसेस में तीन तो आठ ग्रुप हैं। तो देखने की बात यह है कि लेनिन ने एक तबके को जो कि माओ और पेग्लोव के बाद मार्जिनलाइज कराते हैं तो एक रोशन है उसको लेनिन ने इस तरह एनालाइज किया कि ना पता ये ग्रुप मौजूद है बल्कि ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी सब कास्ट मौजूद है सब क्लास मौजूद है जो कि इतना बड़ा तो ये ध्यान रखते। तीसरा जो अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट लेनिन की जिसमें चाहिए कि लेनिन ने पोलिटिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर डेवलप किया जो रिलेशनशिप के सारे को सारा इसको आगे जाके माओ थे और फिर जिस तरह ने अफ्रीका में अंदेजा की जब से इस्तेमाल किया वो अपनी जगह पर। अब सवाल ये लेनिन इसको आगे कैसे बढ़ते ये देखने के सबसे पहले जो मशहूर ने पहले बात की अप्रैल की सिर्फ ज़्यादा बात होगी 20 अप्रैल
6 है वो डायरेक्टली लिंक टुवर्ड्स पीलर, लेकिन पीलर क्वेश्चन पर उसकी एनी सवाल किया जाएगा पीलर पर ये लेक्चर किस करें को ऑपरेटिव में किस फाइल के अंदर और फिर उसके नतीजे में वो नवासी करोड़ जमीन जो है वो स्टेट लेक्चर की ऑपरेटिव में वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पे करो ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्टेट कैप्चर ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तो वो हो गया। तो पहला लेनर ने ये किया कि अप्रैल और उसके अंदर एक डायरेक्शन दी। दूसरा ये हमें देखने की जरूरत है कि लेनर ने जब जब सोवियत यूनियन में मसूद और नवाबर का जब हमारे पास इंकलाब है तो उस वक्त पीजर उस कैटर का मेन हिस्सा नहीं था, वो सीकर का मेन हिस्सा नहीं थे करके ये जो 1918 के मिड में जाके लेनर ने जब पैरिस रेट को बढ़ाया तो उसका उनके साथ लेके जाना पड़ेगा। फिर उनके भतीजे में जब वो दिसंबर 1918 में पैरिस जो है उसकी काउंसिल थी जिसको अमेरिका ने ये पॉइंट लाया था कि वहाँ पर जाके लेनर ने इस पॉइंट को बढ़ाया कि हमें यहाँ ला के इस चीज़ को आगे की तरफ जो है लेके जाना पड़ेगा। और पहला जो फर्स्ट डिक्लेरेशन आया वो भी 18 दिसंबर 1918 को आया कि जहाँ पर आगे ऑल जो है वो इकोनॉमिक जेट विल बी अबॉलिश एंड दिस विल बी विदाउट एनी कंपनसेशन विदाउट एनी कंपनसेशन जो है। और फिर उसके बाद जो है वो जो मजीद जो हम कहते हैं जिसको कांग्रेस हुई जब आपको याद होगा सारे को और रशिया कांग्रेस फॉर लैंड डिपार्टमेंट वो आपके कमेटी एंड कम्यूज और उसके बाद जो है उसकी जो 5 दिन की कॉन्फ्रेंस एंड पर और मैं कहता हूँ कि उसमें जो लेनर की जो स्पीच है उसको पढ़ने की जरूरत है कि लेनर ने किस तरह से अपने को वो किया कि आप अगर इन प्रेजेंट को साथ लेके नहीं चलते आप इन प्रेजेंट के साथ लेके नहीं चलते तो उसका जो इनकलाब पर इंटर किया है और उन्होंने वो अपनी मुश्किल कभी बदल सकते हैं। मैं लेनर के वर्ड्स में भी आपको बता दूँ देयर इज नो डाउट बिल्डिंग सोशलिज्म इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन अ प्रेजेंट कंट्री लाइक रशिया। देयर इज नो डाउट इट वॉज कंपेरेटिवली ईजी टू स्वीप अवे एनी एनिमी लाइक टारगेट द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड इन द लैंड स्टेट एंड अ सेपरेट जॉब कुड बी डन इन अ फ्यू डेज थ्रू आउट द कंट्री बट इट कुड नॉट बी डन बट इट बाय वेरी नेचर द टास्क वी आर नाउ टेकिंग मींस वी आर नाउ किसानों के पास जा रहे हैं इट कैन बी अकम्प्लिश ओनली बाय एक्सट्रीमली परसिस्टेंट एंड अ सस्टेन्ड एफर्ट। इसके लिए बहुत तगड़ी जरूरत मेहनत करनी पड़ेगी मतलब करने के लिए वी शुड हैव टू फाइट अवर वे स्टेप बाय स्टेप क्योंकि कदम लड़ाई करनी पड़ेगी इंच बाय ये सर मुझे रवायतदारी के लिए नहीं बोला जिस जिसमें कि प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर हमें कितनी मुश्किल स्ट्रगल से गुजरने जाते ये जो है वो हमें ये टारगेट जो अचीव करना पड़ेगा। तो लेनर के सामने बहुत बड़ी बड़ी जो है चैलेंजेस मौजूद हैं जिसको मैं अपने इंडिजीनियस तरीके से निकाल के आगे निकाला हूँ सोवियत यूनियन। और फिर लेनर के इस मॉडल को भाव ने जब ये कहा कि हमने लोगों का दिखाया जो कि शायद सोवियत यूनियन भी ना कर सकता और फिर अल्टीमेटली उन्होंने जिस तरीके से पूरी अपनी इस लड़ाई को बेस बनाया किसानों को और जो क्या कहते हैं रूलर चाइना को वो एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का मॉडल था जिसके अनदेश चुनाव की बात है। और फिर जब हम इंडिया में आते हैं जिसकी तरफ अभी अभी इशारा कर रहे थे कि जब इंडिया तक की पुस्तक आया की लेकिन जो उस वक्त आया 1920 और 1926 के बाद इंडिया के अंदर आई तो इंडिया के अंदर किसानों ने विद इन मैन पोलिटिकल पार्टी सबसे पहले तो कांग्रेस बात भी कर रहे थे क्योंकि मैन पोलिटिकल पार्टी कांग्रेस को जब भी ऑप्शन आया तो मैन पोलिटिकल पार्टी ने उस इशू को इतने मजलाई इशू रखा थे गोजियात पार्टी की अर्बन पार्टी की लास्ट की पार्टी की जिसका तालुक लेना देना था भी किसानों ने जब वेट कर 1936 के बाद जब आल इंडिया किसान सभा उसके बाद दूसरे कर रही उसके ऊपर जो हमद आलमी साहब ने जो डिबेट को जब आगे बढ़ाया उनके तीन जो पेपर है इस बात के अंदर डिशन को बढ़ाते हुए तीन पेपर है जिनको मेरे ख्याल हमें देखना चाहिए तर्जुमा भी कर दिया है। तो पहला उनका जो पेपर है प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन दूसरा उनका जो वो है प्रेजेंट क्राफिक एंड पेमोरियल जो है किसानों ने इब्तदाई जो क्या कहते हैं
दानों को मंदिर किया और पता गया और तो ये उनका जो और तीसरा उनका जो पेपर है प्रेजेंट एंड कैपिटलिज्म के प्रेजेंट जो है कैपिटलिज्म के तहत में किस तरह से काम करेंगे ये उनका तीसरा पेपर था। तो हमदार के सामने इस विधेयक को जब आगे बढ़ाया तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेन पोलिटिकल पार्टी थे स्पेशली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद में हिस्सा बनी तो उन्होंने कोई का बेटर नहीं किया बल्कि व्यक्ति इन ऑल इंडिया किसान सभा ने जब इसे लीड किया बल्कि व्यक्ति ऑल इंडिया किसान सभा उससे बहुत आगे चली गई यानी तो माओ का जो उससे भी आगे चली गई। माओ ने भी इसको पोलिटिकल स्ट्रगल में रखा लेकिन ये मिलिटेंट उसमें कन्वर्ट हो गए। उन्होंने दो मिसालें दी एक जो है लगाड़ा मूवमेंट लगाड़ के अंदर और दूसरा है तेलंगाना मूवमेंट हैदराबाद के अंदर जो है वो तेलंगाना। तो ये दोनों मूवमेंट जो थी इतनी बड़ी मूवमेंट थी कि जिन्होंने एक नई डायरेक्शन सेट की इस सारी के प्रेजेंट स्ट्रगल की जो अल्टीमेटली फिर अफ्रीका में जाते थे इसकी लॉन्ग डिबेट हुई जिसको पहले ने एक दूसरे तरीके से तो देखने की जरूरत यह है कि वो डिबेट मुझे स्टार्ट हुई थी कि प्रेजर एक नोशन है और फिर नजर आया कि नहीं प्रेजर एक रियलिटी और फिर प्रेजर चाइना तक पहुँचते पहुँचते एलिमेंट ऑफ चेंज बना और फिर प्रेजर एलिमेंट जो एलिमेंट ऑफ चेंज है वो जाके जो है वो क्या की ये जो चेंज ऑफ डिबेट है टेक्निकली डिबेट जो है वो लेनिन के शहर के अंदर हमें सामने नजर आती है। आखिरी जो मैं बात करूँगा ये कि जब लेनिन की इस सारी डिबेट के बाद जब तस्लीम कर लिया गया कि जमीन और सब चीज़ें हकीकत हैं किसान की हकीकत है फिर अल्टीमेटली सबसे पहले सोवियत यूनियन में और फिर उसके बाद जो है बाकी यूरोप में रिजर्व स्टडी से सबसे डिपार्टमेंट करो पूरे जो पूरी जो डिबेट्स हैं पूरी पूरी रिसर्च जनरल जितने वतन उसके बाद हमदार भी साथ में बहुत काम किया पूरा आपके ट्रेडिशन को बढ़ाया एंड वॉर्ड्स में बहुत काम किया जिसकी पूरे का पूरा हमारे पास डिबेट्स हैं पूरे डिस्कशन है कि डिफरेंट वर्ल्ड को देखें और शेनन ने उस पर बहुत सारा काम किया और फिर हम इंडिया में आ जाए तो फिर मारी हैदर सदीकी ने बहुत सारा इस पर काम किया और इरफान अदीब साहब ने जिस तरह से मुगल पीरियड से लेकर सारी चीज़ें किया। मेरा ख्याल में हमारे पास इतना एक इनरिच मटीरियल है जो लेनिन के इस डिस्कशन के बाद सेट हुआ है कि जिस पर हम अपने को एक अब सवाल ये है कि क्या आज वही हालात उन्नीस पैरामीटर्स में रहकर स्ट्रगल करनी पड़ेगी प्रेजेंट क्वेश्चन आप उसी शेप में या प्रेजेंट क्वेश्चन उससे बाहर का ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आज का जो प्रेजेंट क्वेश्चन है शायद वो प्योरली उस फॉर्म में प्रेजेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आज वो जो उस वक्त जो मैंने आपसे कहा कि जब वो बैकग्राउंड में कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हुई है जिस तरह शहर और देहात तकसीम हो गए आज शहर और देहात मिलते रह गए ये बहुत बड़ा न्यू ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है न्यू ऑर्गेनाइजेशन है अभी ये पहली कॉपरेट लैंड का यूटिलाइजेशन दूसरा ये हाउसिंग सोसाइटी ऑफ द जो है जिस पर हम यहाँ कराची में भी देख रहे हैं लाहौर में रावी के नाम से जो पूरी डिबेट्स आई हुई है काफ़ी सारे वजह से अब इस डिबेट के अंदर ये जो लैंड का नया एक रिलेशनशिप लैंड की नई कम्युनिटी जो चेंज हुई है उसके अंदर किस किस्म की डिबेट होगी किस किस्म का होगा मेरे ख्याल में एज अज अटिस्ट एज अ हाउस या एज अ हमें अपने हालात का अपना जो खुद निकाल के आगे बढ़ना पड़ेगा।